झूठ मत बोलिए आप, प्लीज झूठ मत बोलिए यहाँ पे। मिस्टर सम्राट, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। झूठ मत बोलिए आप जज साहब, झूठ बोल रही हैं, 100% झूठ बोल रही है, कोई सच्चाई नहीं इनकी बात में। इनकी चोरी पकड़ी गई है तो अपने आप को बचाने के लिए ये 10 तरीके के बहाने बना रही हैं। मुझे अच्छे से पता है जज साहब, ये ईशान का बच्चा था और मैं कितने महीने हो गए मैं इनसे दूर रहा हूँ भाई, इतने मैं हो ही नहीं सकता, ईशान के बच्चा है, कंफर्म गारंटीड बात है। बच्चा ईशान का नहीं था सम्राट जी, बच्चा आपका था। हम आपके बच्चे से प्रेग्नेंट थे। पाप किया है आपने, अपने ही बच्चे का खून किया है आपने, और क्या सच जानना चाहते हैं आप? बकवास मत कीजिए आप, देखिए बकवास मत कीजिए आप, झूठ मत बोलिए मिस उर्मी। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो आप कत्ल का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? जज साहब, इस शक में कि ये बच्चा इनका नहीं है, इन्होंने हमारा मिसकैरेज करवाया जानते बूझते धोखे से, जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाकर इन्होंने अपने बच्चे को मारा है। ये झूठ है, ये जज साहब, ये सब झूठ है। सच्चाई है सम्राट सिंह राठौर। योर ऑनर, ये बेबुनियाद बातें करके केस का रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके वकील से कहिए अगर इनके पास कोई सही दलील है तो अदालत में पेश करें। यूं हवा में बातें करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस बात का सबूत भी जल्द मिल जाएगा मिस्टर निरंजन, पर फिलहाल माय लॉर्ड मैं आपके आगे एक और अहम सबूत पेश करना चाहूंगा। प्लीज माय लॉर्ड, ये मिसेज उर्मी सिंह राठौर की मिसकैरेज डिटेल्स और डेट सहित मेडिकल रिपोर्ट। मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, मिसेज उर्मी के फीटस और आपके डीएनए टेस्ट को मैच कराने से पता चलता है कि वो बच्चा आपका था। इसलिए अपनी पत्नी पर दोष लगाना बंद कीजिए, आप ही थे उस बच्चे के पिता। लॉर्ड, इन डिटेल्स और रिपोर्ट द्वारा साबित होता है कि मेरी मुवक्किल चरित्रहीन नहीं बल्कि एक बहुत जिम्मेदार और खुददार औरत है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे साथी वकील को बताएं, समझाएं कि सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए किसी औरत के मान सम्मान और मर्यादा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो मिस्टर निरंजन की आपकी घटिया दलीलों की वजह से मेरे क्लाइंट को आप पे एक मानहानि का केस करना पड़े। आगे से ध्यान रखिएगा। आगे से ऐसी गलती अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी मिस्टर निरंजन। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, पर इस वक्त हर बात का सामना बहुत धैर्यपूर्वक करना होगा। हम अदालत में भावुक नहीं हो सकते, कोई गलत कदम नहीं उठा सकते, ध्यान रहे। आपने इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ? आपने बताया क्यों नहीं कि मेरा बच्चा था वो? सम्राट, बिहेव योरसेल्फ, क्या कर रहे हो? यू आर हर्टिंग हर। आपने क्यों नहीं बताया मुझे? मेरा बच्चा था वो, आपने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई अपने मुझसे? आपको नहीं पता है तो आपने सोच लिया कि वो बच्चा किसी और का है।
कोई और मिला नहीं तो बना दिया उसे ईशान का बच्चा, समझ के रखा आपने? मैं और क्या सोचता, और मैं मुझसे प्रेग्नेंट है, आपने पता है मैं क्या सोचता, क्या गलत किया मैंने? प्रॉब्लम आप में नहीं, आपकी सोच और आपकी थिंकिंग में। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार कंफर्म तो कर लिया होता, और कंफर्म करने की क्या जरूरत थी? कोई रास्ते चलते बाजार हो औरत थोड़ी ना थे, सम्राट सिंह राठौर बीवी थे हम आपकी। अफसोस क्या आप ऐसा ही सोचते हैं सम्राट सिंह राठौर, आपने कभी हमें अपनी बीवी, कभी औरत, कभी इंसान नहीं समझा। समझा तो क्या, सिर्फ अपने पैरों की जूती, जिसे जब चाहे जो आए पहने उतारे निकल जाए। आपने अपने ही बच्चे का कत्ल किया है, अपने हाथों उसका गला घोटा है आपने, और ये बात आप जिंदगी भर नहीं बुला पाएंगे। उस बच्चे की घुटती हुई सांसें आपको जिंदगी भर घूटती रहेगी सम्राट सिंह राठौर, घुटते रहेंगे आप। ठीक वैसे ही जैसे हमारा बच्चा घुटा है। अब इस मरे हुए बच्चे के बाप होने के नाते आप भी इस दर्द को महसूस करेंगे सम्राट सिंह का। और कोसी अपने आप को, आपने अपने ही बच्चे का कत्ल किया, अपने हाथों उसका गला घोटाया, बच्चे का मार दिया। बच्चे को मार दिया मैंने, अपने बच्चे को मार दिया मैंने, अपने बच्चे को मार दिया मैंने, अपने बच्चे को मार दिया मैंने। मैंने बच्चे को मार दिया, मैंने बच्चे को मार दिया। शबू, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे दिन पूरे चल रहे, छोड़ो हम कर लेंगे जैसा। अरे माँ जी, इसलिए तो हम कर रहे हैं जैसा। अरे डॉक्टर ने कल की तारीख दी है, कल तो निकलने वाला है बच्चा हमारे पेट से, इसलिए तो कर रहे हैं, हम करने दीजिए। हमने कहा ना हम कर लेंगे, छोड़ो तुम। अच्छा ठीक है दादी, आपकी चूरन की दवा और हाजमे की गोली आपके सिरहाने के पास रख दी है, हम जाएंगे ना तो चिल्लाते मत रहिएगा। हाँ हाँ, अस्पताल जा रही हो वहाँ बसने के लिए नहीं, दो दिन बाद तो लौट आओगी। पर दो दिन में ना आप सब लोग आधे हो जाएंगे, किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बस आशा की याद आएगी। हाय, अभी तो हमें पापा जी के कपड़े भी देखने जाना है, घर में वो ही बच्चे हैं आजकल। दादी आपने ना बचपन में उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा होगा, तभी वो सारा काम आजकल हमसे कराते, देख लो अपने बेटे को। हाँ अरे बहू तुम रहने दो, हम कर लेंगे। नहीं माँ जी, हम करेंगे। करना बेकार है। अरे अम्मा, डॉक्टर ने इसे कल की तारीख दी है, कछु दर्द बड़ा तो शुरू हुआ नहीं, अब तक तो दर्द शुरू हो जाना चाहिए ना, तो क्या करें? बकवास है, तुम्हारी बंद करो।
ये जो तुम्हारी हरकत होती है ना, इससे हमें बहुत गुस्सा आता है। आशा, तुम्हें बिल्कुल ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। पता कितनी तकलीफ होती है सबको। शुरू, अरे कच्चू लिहाज शर्म नहीं है मोड़ी को। अब तो बंद कर दो गौरव। ऐसा कर, किसी नौटंकी में इसको भर्ती करा दे। वहां दिन भर नौटंकी करती रहे, हमारा पिंड तो छूटेगा इस कलाकारनी से। माजी, माजी मैं क्या करता? What? What? दर्द, दर्द हो रहा है। दर्द करने निकलो। सच में इसे दर्द शुरू हो गया। बेटा, बेटा, धीरे धीरे उठने की कोशिश करो। लंबी सांस, लंबी सांस लो। संभालो। अस्पताल जाना है ना अभी हमको। चलो, सांसें लो लंबी। हे भगवान देवर जी, यानी आपने अपने ही बच्चे को मार डाला और आप उर्मी को भी मारने की कोशिश कर रहे थे। सम्राट, तुम्हें इतनी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? राम 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 देवर जी, ये तो बहुत बड़ा पाप किया आपने। ए बहू, फालतू की बकवास मत करो। देख नहीं रही हो हमारा बेटा कितना परेशान लग रहा है? आपकी वजह से हुआ है सब, जानती है ना आप। ऐसा मत बोलो बेटा है। तुम ना अपनी गलती हम पे कहाँ थोप देते हो। हाँ देखो सम्राट, इस तरह किसी पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है। अरे इस तरह इतना गिरकर तुमने उर्मी के बारे में सोच कैसे लिया? मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि बहू के चरित्र पर कीचड़ मत उछालो सम्राट, मत उछालो। इस तरह तुम उसे नहीं खुद को भी बेइज्जत कर रहे थे। अब कल को भरी अदालत में सबके सामने ये बातें उठेंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की? चुप करिए आप, चुप करिए। हमेशा हमारे बेटे को गलत ठहराते रहते, ये नहीं कि मुसीबत के वक्त में उसकी मदद करें। हमको देखो, हम माँ होके भी भागते भागते थाने पहुंच गए थे और आप हो कि हमारे बेटे को ही कोसे जा रहे हो। अरे आप बाप है या दुश्मन है? चुप करो शशि, हर बार उसकी गलतियों पर पर्दा डाल के घर तक पहुंचाया तुमने उसे। अरे इंसान है, हम जानवर नहीं है जो सारी उम्र बच्चों को चाटते रहेंगे। देखो सम्राट, भगवान के लिए अपने आप को और गर्त में मत गिराओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। माफी मांग लो ईशान से। गया था मैं माफी मांगने, एक बार नहीं 10 बार माफी मांगी मैंने। नहीं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूं। बेटा, हम समझाएंगे ईशान को। हाँ तुम चिंता मत करो, अभी शांत रहो। हाँ सम्राट जी, इतने परेशान क्यों हैं? क्या हो गया इन्हें? पहले कुछ हल्का खा लीजिए, फिर चाय पी लीजिएगा। बेटा एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो कि ना तुम्हारे दिमाग में आ सकती थी ना मेरे दिमाग में आ सकती थी। कौन सी बात? वही जो तुमने मुझे बताई, डीएनए टेस्ट की बात, जो उसने सबूत के तौर पे अदालत में इस्तेमाल किया। हाँ तिवारी जी, ये लालचन अगर हम पर लग जाता ना तिवारी जी, तो शौर्य तो हमसे छिनता है, साथ साथ में हम जीते जी मर जाते हैं। हम इतना बड़ा बोझ लेकर जिंदगी भर। बेटे ईशान एक अच्छा और नेक इंसान है, वो जिस जिम्मेदारी से, जिस हिम्मत से तुम्हारा केस लड़ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये केस तुम ही जीतोगी और शौर्य हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। हम जानते हैं तिवारी जी, ईशान इस केस में जान लगा देंगे, लेकिन हम सम्राट जी को भी तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार खाली गया है ना, दूसरा बार बहुत भयानक आने वाला है। ये बात तो तुम सही कह रही हो बेटा। बिच्छू के बेशक दो हिस्से कर लो, लेकिन वो डंक मारना नहीं छोड़ता। झांसी में रह रहे हो इतने दिन से बेटे, और हमें खबर तक नहीं की तुमने ईशान। हाँ क्या बोलूं अंकल मैं, अब
सम्राट तो रहा नहीं मेरी जिंदगी में, तो किसकी इजाजत लेकर आऊं आप लोगों से मिलने के लिए? ईशान, तुम्हें हमसे मिलने के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं दिवाकर भैया, आपने बुलाया तभी तो मैं मिलने आया हूँ आपसे, वरना आंटी से तो मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है पुलिस स्टेशन, और वहाँ आंटी का रवैया देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मुझसे मिलने जुलने में इंटरेस्टेड होंगी। बेटा वो सब ना इस सम्राट के चक्कर में हो गया। हाँ माँ ने जो कुछ भी किया उनसे मैंने कहा था करने के लिए, उन्हें तो माफ कर दो तू। सम्राट से बहुत बड़ी गलती हुई है ईशान बेटा, वो खुद भी शर्मिंदा है ये सब करके। सुनो तुम बोलते काहे नहीं हो, जब बात करो ना उससे, जा बेटा जा। ईशान माय ब्रदर, मैं फिर से माफी मांगता हूं तुमसे यार, दिल से मांगता हूं। सब कुछ बहुत हो गया यार ईशान, खत्म करते हैं इसको यार, मिट्टी डालो उस पे यार। मुझे यार सब कुछ पहले जैसा चाहिए, मुझे मेरा बचपन का दोस्त मेरा ईशान मुझे वापस चाहिए, मिलेगा। एक थर्ड पर्सन के लिए यार, एक औरत के लिए हमारी दोस्ती टूट जाए, ये मैं नहीं झेल सकता हूँ यार, ट्रस्ट मी। सम्राट उर्मी कोई थर्ड पर्सन नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है। यार ईशान मैं क्या हो गया है यार, क्या क्या किन चक्रों में पड़े हो तुम? उर्मी मेरी बीवी थी, पता है तुम्हें क्या क्या हुआ है? तुमने स्टोरी सुनी है मेरी, उसके मुंह से सुन के आ गए तुम सारी कहानी, मेरे मुंह से सुनिए कहानी, सुनिए एक बार भी सुननी चाहिए। शान मेरी जिंदगी में उर्मी से पहले तुम थे, तुम मेरे दोस्त थे और आज भी हो और रहोगे। हाँ बेटा एकदम सही कह रहा है जी। तो तुम्हें मेरी दोस्ती चाहिए सम्राट, ठीक है दी मैंने तुम्हें अपनी दोस्ती। आज से सम्राट और ईशान फिर से दोस्त, तो बताओ और क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ दो ना यार उर्मी का केस, छोड़ दो ना यार उर्मी का केस। किन चक्रों में पड़े हो तुम यार, अपने दोस्त का साथ दो तुम। हाँ ईशान भाई साहब, अगर हम दोनों मिल गए ना तो दुनिया तबाह कर सकते हैं, ये बात तय है। उर्मी क्या चीज है भाई? सही बात है। ओके सम्राट डन, पर अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे क्या? अरे जान हाजिर है, मांग के देखो तुम। तुम उर्मी और शौर्य को छोड़ दो, के बाद केस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और फिर उनकी तरफ से लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। Then all is well, मैं और तुम दोस्त, उर्मी अपने रास्ते और शौर्य अपनी जगह खुश है, बोलो मंजूर? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने, समझे? गेम खेल रहे हो मेरे साथ, मुझे ही बनाओगे क्या? क्या समझ लियो मुझे, क्या तुझ पे समझ लियो? दबाओगे पतला के बाहर आ जाऊंगा मैं। नहीं नहीं सम्राट, टूथपेस्ट तो फिर भी बहुत अच्छी चीज होती है, मुंह साफ होता है उससे भाई। तुम तो उस सड़े हुए कद्दू की तरह हो जो बिना दबाए पल पला के बाहर निकलता है, जैसे तुम्हारी सारी गंदगी आज बाहर निकल। तुम्हें क्या लगता है गेम्स खेलने का कॉपीराइट सिर्फ तुम्हारे पास है? हम लोग यहाँ बेवकूफ खड़े हैं क्या? गौर से देखो अपने आप को सम्राट सिंह राठौर, गौर से देखो, ये है तुम्हारी असल। चुटकियों में तुम्हारा असली रंग बाहर आ गया, मुझे इमोशनल करके काम निकलवाने चले थे तुम। हाँ
सम्राट, तुम इतने गिरे हुए और स्वार्थी इंसानों की कभी कभार मुझे अपने आप पर हैरानियत होती है कि मैंने किसी जमाने में तुम्हें अपना दोस्त माना। अपनी औकात में रहो ईशान। अब जितना जोर लगाना है लगाओ सम्राट, पर वो वक्त आ चुका है कि तुम्हारी बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब मिले और तुम्हारा हर घमंड एक एक करके टूटेगा।